आवाज करो। आएगा। 15,000 लोग जुड़ रहे तो उस बात से इंप्रेस हुए। चुनावी शोर में डूबा गुजरात, हर रोज मुद्दों के नए नए तीर तरकश से निकल रहे हैं। शेयर मार्क के लिए नई नई रणनीति तैयार की जा रही है। इंतजार 13 और 17 दिसंबर के मतदान का। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव शुरू हो गया है। देश भर के 28,40,000 लोगों के सामने गुजरात के अगले मुख्यमंत्री को लेकर वोटिंग हो रही है। इस वोटिंग की शुरुआत चुनाव के ऐलान से पहले ही कर दी गई थी, वो भी देश के सबसे बड़े फेसबुक ग्रुप आई लव फेसबुक पर। पहले छोटा सा एक ग्रुप बनाया था, उसमें तकरीबन 2,500 या 25,000 तक के मेंबर्स मिले थे। फिर वो ग्रुप छोटा पड़ा, वो पूरे गुजरात पर सीमित था। फिर मैंने सोचा कि भाई ये गुजरात पर सीमित हो गया है तो मुझे अब क्या करना, तो मुझे पूरा इंडिया लेवल का बनाने की कोशिश की थी। तो मैंने फिर उसमें भी सोचा कि अब ये भी छोटा होगा तो पूरे वर्ल्ड को क्या अच्छा लगे, तो उसके लिए आई लव फेसबुक मैंने नाम रख दिया। 28,40,000 लोगों के इस ग्रुप के सामने गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मोरवाड़िया, शक्ति सिंह गोहिल और अहमद पटेल। अब तक आए नतीजों में मोदी अपने बाकी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारी मतों से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही एक सर्वे बनाया था जिसमें मैंने केशुभाई पटेल और अहमद पटेल और कांग्रेस के 3 नेताओं के नाम रखे थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम था। तो उसमें भी तकरीबन 2,500 लोगों ने आज तक वोटिंग कर दी थी। 2,500 में से 2,400 जैसे लोगों को तो पूरे के पूरे वोटिंग नरेंद्र मोदी के नाम पे ही की। जो लोग मोदी को सीएम नहीं बल्कि पीएम की रेस में देखना चाहते हैं, उन्हें भी हसरतें पूरी करने का यहाँ भरपूर मौका दिया गया है। इस ग्रुप में देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर भी वोटिंग जारी है। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी का नाम है। तकनीक की तालीम को नई पीढ़ी की ताकत से जोड़कर नरेंद्र मोदी अब अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मोदी की कोशिश फेसबुक के जरिए अपनी इमेज को नया लुक देने की है। वैसे मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइबर वॉर में एक क्लिक से इमेज बनती है और दूसरी क्लिक से बिगड़ भी जाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज। लेकिन इस बार सियासत का मैदान साइबर वर्ल्ड बना है। हथियार लैपटॉप, आईफोन, आईपैड बने हैं हैकर्स के खतरे के बीच मोदी कैसे साइबर युद्ध में लाखों समर्थक सैनिकों को अपने साथ जोड़ पाए हैं, जरा आप ये भी देखिए। महाभारत की लड़ाई की तर्ज पर गुजरात के महाभारत में संजय राठौर मोदी की साइबर वॉर के साथी हैं। संजय राठौर जूनागढ़ के विसावदर के रहने वाले हैं, जिसे केशुभाई का गढ़ कहा जाता है। पेशे से पेंटर संजय ने शौकिया फेसबुक पर आई लव फेसबुक ग्रुप बनाया। धीरे धीरे लाखों लोग इस ग्रुप से जुड़ गए। संजय विसावदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी, लिहाजा लाखों युवाओं को जोड़ने वाले इस युवा को युवाओं की राजनीति करने वाले मोदी ने बुलाने में देर नहीं की। जब टिकटें पट रही हो, लॉबिंग चल रहा हो, भांति भांति के प्रयास हो रहे हो, उस माहौल में 1,300 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति पर प्रदर्शन। संजय बताते हैं, मोदी ने ये लैपटॉप दिया, हाथ में एक आईफोन थमाया और हौसला अफजाई के लिए पीठ थपथपाई। यही नहीं, सियासत में हर कदम फूंक कर रखने वाले मोदी ने संजय को भी साइबर वॉर में कदम फूंक कर रखने की न सिर्फ नसीहत दी बल्कि मोदी की आईटी टीम ने संजय को हैकर्स से निपटने के गुर भी सिखाए। मोदी साहब ने तो वो मेरा अच्छा काम देखा, उसकी उसने नोट किया और उसने मुझे या उसके बाद उसके पास बुलाया और मैंने उसको सब बताया कि भाई ये मैंने अच्छा ऐसा ग्रुप बनाया है और इसमें इतने सारे लोग हैं, रोज 15,000 लोग जुड़ रहे। तो उस बात से इंप्रेस हुए और उसने मुझे कहा कि भाई आजकल हैकिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है,
तो थोड़ा तुम अपने ग्रुप का ध्यान रखो। उसके लिए उसने आईटी के जो तजग्न लोग थे उससे मुझे उसकी सारी बातें बतवाई और वहाँ से अच्छी अच्छी टिप्स दी। उसकी टिप्स की वजह से मैं आज आगे बढ़ सका हूँ। मोदी से मिली शाबाशी और साइबर मंत्र लेने के बाद संजय अब देश के सबसे बड़े फेसबुक ग्रुप के जरिए मिशन मोदी पूरा करने में लगे हैं। राहुल सिन्हा, जी न्यूज़, मिसावदर, जूनागढ़।